हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर और मैं स्वागत करता हूँ नेशनल एग्जाम पर। आज है 1 मई 2020 और 1 मई 2020 से करंट अफेयर्स से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज की इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कब अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 29 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया है। यह इसका उद्देश्य जो होता है, यह नृत्य में प्रोत्साहन और शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए हमेशा 29 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। और यह जीन जॉर्जेस नोवरे नाम के एक व्यक्ति थे, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह शिक्षा को प्रोत्साहित एवं नृत्य को प्रोत्साहन करने के लिए 29 अप्रैल 2020 को अब की बार मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीमा कवर योजना का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में असम की गवर्नमेंट ने बीमा कवर योजना का शुभारंभ किया है। अब आपके दिमाग में बात आई होगी कि बीमा कवर क्या है, तो बीमा कवर असम सरकार ने COVID-19 के दौरान जो रिपोर्टिंग कर रहे जो लोग हैं, प्रेस रिपोर्टर्स हैं, उनके लिए 50 लाख रुपए का बीमा कवर योजना की घोषणा की है असम की गवर्नमेंट ने। तो यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात आई है असम की, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल दिसपुर, असम के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर सर्वनंदा सोनवाल और प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर जगदीश मुखी। और आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो एक वीडियो को लाइक और एक शेयर जरूर किया कीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्य विद्या दीवेना योजना का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने जगन विद्या दीवेना का योजना का शुभारंभ किया। अब आपके दिमाग में बात आई होगी जगन विद्या दीवेना क्या है, तो जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगमोहन रेड्डी हैं, उन्होंने इस योजना के अंतर्गत जो छात्रों को पूर्ण शुल्क पूर्त पूर्त प्रदान की जाएगी और गरीबों को उच्च शिक्षा के लिए कदम उठाया जा रहा है जगन विद्या दीवना से। और इसमें अभी तक आंध्र प्रदेश में 12 लाख छात्र लाभान्वित हुए हैं, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारे अब बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती, आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर YS जगमोहन रेड्डी, प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर BB हरिचंदन, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुर्रक्षा का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में केरल की गवर्नमेंट ने आयुर्रक्षा का शुभारंभ किया है। बात आई आयुर्रक्षा क्या है, तो जो केरल की सरकार है उसने COVID-19 की रोकथाम के लिए कार्यक्रम के लिए जो राज्य और क्षेत्रीय और जिला स्तर पर आयुर्वेद निकायों की स्थापना की है उसे आयुर्रक्षा कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो आयुर्रक्षा के अंतर्गत जो मरीज हैं COVID-19 के, तो उनको निवारक दवाइयां प्रदान की जाती है आयुर्रक्षा के अंतर्गत और उनके स्वास्थ्य के सभी सहायता प्रदान की जाती है आयुर्रक्षा के अंतर्गत। तो अभी ये केरल की राज्य सरकार ने शुभारंभ आयुर्रक्षा का किया है। अब बात आई है केरल की, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, केरल के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर PV, प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेबरहुड क्लासेस का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने नेबरहुड क्लासेस का शुभारंभ किया है। अब आपके माइंड में ये क्लिक कर गया हो नेबरहुड क्लासेस क्या है, तो इसमें इसमें क्या होता है, जो त्रिपुरा में राज्य मंत्रिमंडल ने प्रत्येक छात्रों को लॉकडाउन के दौरान शिक्षा प्राप्त करने के लिए नेबरहुड क्लासेस का शुभारंभ किया है। इसके अंतर्गत एक शिक्षक अधिकतम पांच छात्रों को पढ़ाएगा और तब तक पढ़ाएगा जब तक उनकी स्कूल की कक्षाएं फिर से शुरू नहीं हो जाती। ये है नेबरहुड क्लासेस और अभी त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने इसे शुभारंभ किया है इसका। और राज्य शिक्षा विभाग ने जो पाठ्य पुस्तक सामग्री है उनको मुफ्त में वितरण करने की योजना बनाई है त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने। अब बात आई है त्रिपुरा की, तो थोड़ा त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। त्रिपुरा के कैपिटल अगरतला, त्रिपुरा के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर बिपाल कुमार और प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर रमेश वेज।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने धन इकट्ठा करने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक की गवर्नमेंट ने धन इकट्ठा करने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट की शुरुआत की। इसमें क्या होता है, जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बीएस येदुरप्पा ने कोविड-19 राहत कोष में धन जमा करने के लिए उस एक ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत जो शतरंज के खिलाड़ी हैं देश भर में वो 50 रुपये से दान करके मोबाइल प्रीमियम लीग गेमिंग प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत करा सकते हैं और उसमें उनको शतरंज खेलना पड़ेगा। तो ये अभी कर्नाटक की गवर्नमेंट ने शुरू किया है और ये 2 से 3 मई तक आयोजित होगा, यानी 2 से 3 मई के बीच ये आयोजित होगा कार्यक्रम ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन स्टॉप वेबसाइट का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में दिल्ली की गवर्नमेंट ने वन स्टॉप वेबसाइट का शुभारंभ किया है। अब बात आई वन स्टॉप वेबसाइट क्या है, तो वन स्टॉप वेबसाइट एक वेबसाइट है, इसके अंतर्गत कोविड-19 से संबंधित जितने भी पहलू हैं उनको जानकारी देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट क्रिएट की गई, बनाई गई है। इसमें कोविड-19 से रिलेटेड सभी चीज़ें इकट्ठा करके इस वेबसाइट पर पोस्ट की गई हैं और ये पोस्ट है delhifightcorona.in। क्या है पोस्ट, delhifightcorona.in, ये है वेबसाइट। इसके अंतर्गत कोरोना से संबंधित जानकारियां इकट्ठा करके पोस्ट की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऋषि कपूर का निधन हुआ वे कौन थे? तो अभी हाल ही में जो ऋषि कपूर का निधन हुआ था वो एक अभिनेता थे और ये हिंदी बॉलीवुड फिल्मों के अभिनेता थे। इन्होंने सरगम, कर्ज, रफू चक्कर इत्यादि फेमस मूवी में अपना रोल निभाया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएनबी हाउसिंग लिमिटेड के कौन से सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अभी हाल ही में पीएनबी हाउसिंग लिमिटेड के संजय गुप्ता ने अपने सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया। ये 4 मई 2020 को रिटायर्ड होते, लेकिन अभी एक हफ्ता पहले ही इन्होंने पीएनबी हाउसिंग लिमिटेड के सीईओ पद से अपना इस्तीफा दे दिया है और इस टाइम प्रेजेंट टाइम पे सीईओ के रूप में नीरज व्यास को पोस्ट कर दिया गया है पीएनबी हाउसिंग लिमिटेड में, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से ठीक हुए लोगों को 2,000 रुपए की धनराशि प्रदान करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो कोरोना वायरस से ठीक हुए लोग हैं उनको 2,000 रुपए देने की घोषणा की है। जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन्नाथ रेड्डी है, इन्होंने ये घोषणा की है। और अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश ने किसानों को नुकसान की रोकथाम के लिए जो तंबाकू नीलामी की शुरुआत भी इन्होंने आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने कर दी है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बॉम्बे हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो अभी हाल ही में जस्टिस दीपांकर ने बॉम्बे हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है और ये महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, इन्होंने राजभवन में जस्टिस दीपांकर को यह शपथ दिलाई है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूसरे राज्य में फंसे लोगों के लिए वापसी के लिए हेल्पलाइन पोर्टल जारी किया है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने दूसरे राज्य में फंसे लोगों के लिए वापसी के लिए हेल्पलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। ये अभी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। इसमें क्या होता है, जो दूसरे राज्य में यूपी के लोग दूसरे राज्य में कहीं मजदूरी कर रहे हो या कुछ बच्चे कोटा में पढ़ रहे हो, अगर दूसरे राज्य में फंस गए तो एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से वो अपने राज्य को वापस आ सकते हैं। ये भी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसका शुभारंभ किया है। अब बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर आनंदी बेन पटेल, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हम लास्ट वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी ऐप की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने संपर्क दीदी ऐप की शुरुआत की है। हमारा आज के इस वीडियो का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया है? तो
इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। आपके ऑप्शन है पंजाब, कोलकाता, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं, आपके चार ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिए। और मैं चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।